बढ़ती शादी में दहेज के नाम पे पैसे, कपड़े और घर के सामान देते तो सुना होगा, पर क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी शादी में स्वागत के तौर पे शराब पिलाया जाता है और दहेज में भी शराब ही भेजने की अनोखी परंपरा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बैगा आदिवासियों ने ये अनोखी परंपरा की है। यहाँ के किसी भी शादी में शराब होना अनिवार्य है और शादी में बारातियों के साथ साथ दूल्हे और दुल्हन को भी शराब पिलाया जाता है। जब पूरी बाराती के साथ दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है तो खुद दुल्हन की माँ अपने हाथों से दूल्हे को शराब पिलाकर शगुन करती हैं। इनकी शादियों में ज्यादा सजावट नहीं होती, यहाँ तक कि बारात के जो पंडाल भी सजाए जाते हैं वो पेड़ के पत्तों से सजाए जाते हैं और ना ही उनकी शादियों में कोई पंडित होता है। इन गांव में दहेज प्रथा पूरी तरीके से बंद है। वैगा आदिवासियों का किसी भी प्रकार से जश्न हो या कोई भी प्रकार का मातम हो, यहाँ शराब होना अनिवार्य है और आज भी यहाँ की शादियों में बाराती पैदल ही दुल्हन को लाने जाते हैं। साथ ही साथ हम आपको एक बात और भी बता दें कि यहाँ की शराब के दाम बिल्कुल कम है, क्योंकि यहाँ महुआ नामक फल से लोग खुद ही शराब बनाते हैं। ऐसे ही अनोखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से प्रियंका राज की रिपोर्ट।